तो क्या नॉमिनेशन में आने के बाद टीना ने अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है? टीना अब मंडली में शामिल होना चाहती हैं और प्रियंका का साथ छोड़ देना चाहती है। शालीन के साथ उसकी वैसे ही नहीं बन रही, जो फेक 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 सारे रिश्ते पर सवाल उठे हैं उसके बाद वो वैसे ही शालीन से दूर रह रही है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि टीना ने एक नया गेम शुरू किया है और आज वो लगातार मंडली के साथ बात करती नजर आई है। मंडली यानी कि कल आपने एपिसोड में देखा, वो निमृत को बोल रही थी कि यार मैं तुझे जो है मिस कर रही थी बतौर दोस्त, मैं चाहती थी। तो निमृत ने बोला कई बार हम चीजें दिल में रख लेते हैं, नहीं रखने चाहिए। इतना ही नहीं, आज फिर हमने देखा कि वो सुम्बुल के साथ भी बैठी थी, शिव के साथ बैठी थी, स्टैन के साथ बैठी थी। स्टैना उसका अच्छा दोस्त ही है, लेकिन जब ये लोग सब साथ में ग्रुप में बैठे हो तो बहुत कम देखा जाता है कि टीना वहां जाकर बैठे, लेकिन हमने देखा कि आज वो वहां पर बैठी हुई थी। तो क्या प्रियंका का साथ छोड़कर अब वो मंडली में शामिल होना चाहती हैं? निमृत को पटाने की कोशिश उसने की ही थी। स्टैना जो है उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन स्टैन जो है ऐसा नहीं है, उसको लगता है कि टीना को नॉमिनेट करना चाहिए तो वो करता भी है नॉमिनेट। तो अब आज सुबह सुबह लाइव फीड में हमने देखा कि वो शिव और पूरी मंडली के साथ बैठी थी। उसे सुम्बुल के साथ बैठना भले ही पसंद ना हो, लेकिन अब जिस तरीके से वो ग्रुप चेंज कर रही है उससे तो यही लगता है कि वो बहुत जल्दी प्रियंका को भी धोखा दे सकती है। शालीन भी प्रियंका से बात कर रहा था कि अब हमें ग्रुप मंडली, जब प्रियंका ने कल मना कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या टीना की ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि मंडली उसे अपने में शामिल करेगी? आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।